लास्ट क्वेश्चन कौन सा हुआ था? मैम वर्ड प्रॉब्लम आप कभी लेंगी? वर्ड प्रॉब्लम? हाँ ये वर्ड प्रॉब्लम्स ही है ना सब, ये जो मैं अभी ले रही हूँ वो वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। अच्छा ओके थैंक यू। वो सब बहुत सारा है वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स मतलब क्या? सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, डीआई और क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़ने के बाद जो बचता है वो सब वर्ड प्रॉब्लम्स ही है। ओके मैम। होमवर्क नहीं था ना? उसी झलक रही है होमवर्क नहीं था तो। चलो अ सम ऑफ द प्रेजेंट एज हो गया। शांति आवाज सुनाई नहीं, क्या हुआ? मैंने वो बिल ले रहा है। बिल? बस हो गया। चलो क्वेश्चन सुना। साहिल एज 63 इयर्स, 4 इयर्स। अरे यार क्या हो रहा है? The mother was 4 times of Shweta's age. Then find out their present age. सम का फिर लिया करो, वो ज्यादा अच्छा है। चलो बताओ। फिफ्टीन एंड फोर्टी एट। नाम 15 एंड 48। आपका नाम? गणेश, गणेश शिंदे। गणेश शिंदे ओके राइट है, सही है, वेरी गुड गणेश। कितना रहे बाकी सब लोग बताओ। आया आंसर तीनों का? चलो
सेपरेट सेपरेट ग्रुप डिस्कशन नहीं चाहिए. चलो बोलो, आया किसी का? 1548 1548 आपका नाम? बोलो नाम. आराम से. और किसी का आया? क्वेश्चन में क्या दिया है? अ सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज का सम दिया है. ठीक है, ये हो गया प्रेजेंट एज. किसके बारे में दिया है? श्वेता एंड हर मदर. कितना दिया है? 63 इयर्स. ठीक है, और उसके बाद क्या बोला है? 4 साल पहले मदर और श्वेता का रेशियो दिया है. ठीक है, तो ये क्या है? मदर है और ये श्वेता. रेशियो क्या आएगा? 4 इयर्स एगो. यहाँ पे रेशियो कितना आएगा बता? 4:1. मदर वॉज 4 times ऑफ श्वेता's एज. तो मदर कितने है? 4 times. अगर श्वेता जब 1 रहेगी तभी मदर का एज यहाँ पे आएगा 4. मतलब यहाँ पे रेशियो कितना आएगा? 4:1 आएगा. ठीक है, क्या आ गया? यहाँ पे सम दिया है, वो प्रेजेंट एज का सम दिया है. हेलो, हाँ बोलो. वालेकुम सलाम. रेसेंटली? अच्छा, आप कैसे? क्या हुआ? 63 इयर्स. 63 इयर्स टोटल है ना. मतलब इसमें जो मदर है और श्वेता है दोनों का एज इंक्लूड है. ठीक है, दोनों का एज 63 में इंक्लूड है. और हमें जो रेशो दिया है वो 4:1, 4 साल पहले का है. तो ये जो रेशो यहाँ पे जो टोटल एज है वो प्रेजेंट एज है. तो 4 साल पहले टोटल कितना होगा मदर और श्वेता का, वो बताओ. 4 साल पहले मदर और श्वेता के एज का टोटल कितना होगा? 59. Yes. क्यों मदर को ऐसे रखोगे? मदर का एज माइनस नहीं करोगे? यहाँ पे -4 दो बार होगा, मतलब -8 होगा ना. -4 एक ही इंसान का पीछे जाओगे तभी -4 होगा. यहाँ पे दोनों का एज है ना 63 में, तो -8 करना पड़ेगा. यहाँ पे -4 नहीं होगा, दोनों का एज दोनों को पीछे लेके जाना पड़ेगा, दोनों को पास में लेके जाने पड़ेगा. और यहाँ पे जो 63 है वो दोनों में दोनों का इंक्लूड है यहाँ पे. तो यहाँ पे -8 होगा, -4 नहीं होगा. समझा -8 कैसे आया? Yes. यहाँ पे माइनस करोगे कितना आएगा? 55 आएगा टोटल एज. तो ये 5 साल पहले का होगा ना दोनों का टोटल एज. 5 साल पहले दोनों का टोटल एज, मतलब श्वेता और मदर का दोनों का टोटल एज 5 साल पहले का मिल गया. ये दोनों, सॉरी 4 साल पहले. हाँ, तो कब करोगे? करेक्ट, 4 साल पहले. ठीक है, यहाँ पे रेशियो 4 साल पहले का है. इन दोनों का 4:1, मतलब यहाँ पे 5 है दोनों का टोटल. रेशियो में 5 है, एक्चुअल में कितना है? 55. मतलब 5 का वैल्यू 55 के बराबर है. तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 11 होगा. तो यहाँ पे श्वेता का एज कितना आएगा? 1 × 11, 11 इयर्स आएगा. अभी यहाँ पे कितना आएगा? मदर का एज कितना होगा? 11 × 4, 44. ये जो एज आया है वो प्रेजेंट एज है या 4 साल पहले का एज है? 44 और 11 4 साल पहले का है ना. ये जो 4:1 रेशियो है वो 4 साल पहले का है. तो इससे जो वैल्यूज आएगा ये दोनों, तो वो 4 साल पहले का ही होगा. और हमें क्या पूछा है? प्रेजेंट एज पूछा है ना.
तो इसके लिए प्लस फोर होगा या माइनस फोर करेंगे? प्लस प्लस फोर करेंगे क्योंकि हमें प्रेजेंट पूछा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फोर 48 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस फोर 15 हो जाएगा, तो 15 और 48 हमारा आंसर हो जाएगा। 48 किसका है? मदर का एज, और श्वेता का कितना हो जाएगा 15 इयर्स। मैम एक बार रिपीट करो, ठीक है। 4:1 यहाँ पे दिया है, क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। ये 4:1 चार साल पहले का एज है, ठीक है। यहाँ पे बोला है 4 इयर्स एगो मदर वॉज 4 टाइम्स, तो यहाँ पे आ गया 4:1 रेशियो, लेकिन ये 4 साल पहले का है, ठीक है। और उसके पहले यहाँ पे क्या बोला, अ सम ऑफ द प्रेजेंट एज, मतलब प्रेजेंट एज का सम दिया है। सम मतलब टोटल है ना, श्वेता और मदर का ये जो 63 इयर्स है वो टोटल यहाँ पे दोनों का, लेकिन प्रेजेंट एज का है, प्रेजेंट एज का है दोनों का टोटल। मतलब यहाँ पे 63 में क्या इंक्लूड है, श्वेता और मदर का प्रेजेंट एज इंक्लूड है, लेकिन हमारे पास जो रेशियो है वो 4 साल पहले का है, 4 साल पहले का रेशियो है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अगर ये टोटल है तो हम किसका टोटल निकालेंगे, 4 साल पहले मदर और श्वेता का जो एज होगा उसका टोटल निकालेंगे। तो यहाँ पे जो 63 इयर्स है वो दोनों का टोटल है, तो 4 साल पहले जाना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे दो लोग इंक्लूड है, इसके लिए क्या होगा -8 होगा, क्योंकि दो लोग इंक्लूड है। 4 साल दोनों को पीछे लेके जाना पड़ेगा, मदर को भी जाना पड़ेगा 4 साल पीछे और श्वेता को भी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो 63 -8 करेंगे कितना आएगा 55, ये 55 है, क्या आएगा 4 साल पहले का दोनों का एज का टोटल होगा, श्वेता और मदर का 4 साल पहले का टोटल कितना होगा 55। तो ये दोनों का एडिशन क्या है 4+1 5 है, तो 5 का रेशियो किसके बराबर होगा 55 के, तो 1 का रेशियो कितना होगा 5:11 करेंगे तभी 55 आएगा, मतलब 1 का रेशियो कितना आया 11 आया, तो 4 का रेशियो कितना आएगा 4:11 करेंगे यहाँ पे 44 आएगा, और श्वेता का क्या आएगा 1:11 आया। अभी ये जो 44 और 11 है वो 4 साल पहले का है एज, 4 साल पहले का है ना एज, और हमें क्या पूछा है क्वेश्चन में प्रेजेंट पूछा है, तो इसके लिए क्या करेंगे 4 साल आगे आएंगे पीछे से, मतलब प्रेजेंट में आएंगे, तो ऐड किया यहाँ पे 48 हो गया, यहाँ पे ऐड किया 15 हो गया, समझा? और किसी को डाउट है? The age of Sneha is 6th part of the age of her father. After 10 years, the age of Sneha's father will be twice that of the age of Vimal. Vimal paan masala mat bola. If Vimal celebrated his 8th birthday 2 years ago, then what is the present age of Sneha?
चलो बताओ फाइव फाइव एक सेकंड राइट वेरी गुड आप में से किसी का आया हाँ हो रहा है और किसी का आया आप दोनों में से नहीं फाय फाय आया ओके वेरी गुड क्या हुआ सिद्धेश नहीं साहिल आपका आया The age of Sneha is sixth part of the age of her father. ठीक है मतलब यहाँ पे रेशो कितना आएगा स्नेहा और फादर का 1:6 ओके आप लोग बताओ चलो स्नेहा और फादर का रेशो कितना रेशो कितना आएगा देखो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है ये अगर फादर है 6 टाइम्स है उसमें से 6 पार्ट किसका है स्नेहा का है 6 है उसमें से 6 पार्ट स्नेहा का है लेकिन ये टोटल किसका है फादर का अगर फादर का 6 है टोटल उसमें से 1 पार्ट स्नेहा का है तो स्नेहा का 1 हो जाएगा और यहाँ पे फादर का कितना होगा रेशियो 6 हो जाएगा तो 1:6 हो जाएगा स्नेहा और फादर का रेशियो यहाँ पे कुछ दिया है मेंशन किया है तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे कि ये 1:6 है वो प्रेजेंट एज है ठीक है हमें रेशियो मिल गया 1:6 प्रेजेंट एज का उसके बाद क्या बोला है आफ्टर 10 इयर्स मतलब 10 साल के बाद स्नेहाज फादर will be twice two times वो जो स्नेहा के है that the age of विमल मतलब विमल का जो एज होगा उसका डबल होंगे फादर ठीक है मतलब यहाँ पे लिख दो विमल तो यहाँ पे रेशो कितना आएगा फादर और विमल
2:1 यहाँ पे 2:1 आएगा ना, डायरेक्ट 6 को नहीं ले सकते, यहाँ पे 6 स्नेहा का और फादर का अलग अलग है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2:1 रेशियो आएगा, लेकिन ये 2:1 रेशियो होगा वो प्रेजेंट का होगा, प्रेजेंट का होगा ना रेशियो, आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद होगा, यहाँ पे क्या बोला है आफ्टर 10 इयर्स, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस 10, ठीक है, यहां तक समझा। उसके बाद क्या बोला, इफ विमल सेलिब्रेटेड हिज 8th बर्थडे 2 इयर्स अगो, तो जो विमल का प्रेजेंट एज होगा वो कितना आएगा बताओ, विमल का प्रेजेंट एज कितना आएगा, 20 आएगा ना, बताओ बोलो कितना आएगा, प्रेजेंट एज 10 आएगा, ओके आप लोग बताओ, चलो कितना आएगा, टेन आएगा हाँ पल्लवी 10 आएगा, बोलो 10 ही आएगा पल्लवी, सेलिब्रेटेड 8 बर्थडे मतलब 8 साल का होगा, कौन विमल 8 साल का होगा, लेकिन कब, 2 साल पहले, तो वो प्रेजेंट में कितने साल का होगा, 10 इयर्स का ही होगा ना, ये प्रेजेंट एज मिल गया विमल का, ठीक है, लेकिन हमें कब का चाहिए, 10 साल के बाद का चाहिए एज, क्योंकि हमारे पास जो रेशियो है विमल का वो 10 साल के बाद का है, तो 10 साल के बाद विमल का एज कितना हो जाएगा, 10 साल के बाद विमल का एज कितना होगा, 20 हो जाएगा, 20 इयर्स कितना होगा, 20 इयर्स होगा, यहाँ पे 20 इयर्स की 1 की वैल्यू 20 इयर्स होगी ना, क्योंकि ये 10 साल के बाद का रेशियो है, इसमें 1 जो है वो 10 साल के बाद विमल का एक्चुअल एज 20 है, रेशियो में कितना है 1 है, तो यहाँ पे कितना आएगा, बोलो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे 1 का वैल्यू अगर 20 है तो 2 का 40, कितना आएगा 40 आएगा, इंटू 20 करेंगे यहाँ पे 40 आएगा एज, ठीक है 20 और 40 आ गया, ये जो फादर का एज है 40 एज है वो 10 साल के बाद का है या 10 साल के पहले का है या प्रेजेंट है, आफ्टर 10 इयर्स, बोलो आफ्टर 10 इयर्स, 10 साल के बाद का है ये एज, 40 जो है 10 साल के बाद का है, तो प्रेजेंट एज क्या होगा फादर का, 30 होगा, यहाँ पे 40 10 साल के बाद है तो 10 साल पहले जाएंगे मतलब 30 हो जाएगा, 6 × 5 होगा 30, ठीक है, तो यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं 5 से, तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा 5 से, तो यहाँ पे 5 × 1 कितना आ जाएगा 5, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 इयर्स, स्नेहा का प्रेजेंट एज कितना हो जाएगा 5 इयर्स, किसी को डाउट है इसमें, सबको समझा ये क्वेश्चन, बोलो हेलो मैम, हाँ बोलो,
मैम व्हाट प्रॉब्लम में ऐसे ही सब क्वेश्चन आएंगे ना? हाँ ऐसे ही आएंगे. वो लिख के हाँ मैम. हो गया हुआ ना? A father's age to his son that when you were born, I was your current age. Then what was age of son? यहाँ पे five years ago, if the age of father is 36 years, आंसर आया किसी का? Thirteen years. 13. Right. Right. So you. Yeah.
इसका ये सेंटेंस का क्या मतलब है कि फादर बोल रहे उसके सन को कि जब तुम्हारा बॉर्न हुआ था मतलब जन्म हुआ था तब मैं तुम्हारे एज का था, मतलब यहाँ पे सन लो यहाँ पे फादर लो, ठीक है, यहाँ पे जब जन्म हुआ होगा सन का तब जीरो एज होगा, ठीक है, कोई एज नहीं होगा सन का, जीरो एज होगा यहाँ पे, ठीक है, और फादर का यहाँ पे सपोज कर लो कि फादर 20 इयर्स के है, ठीक है, सपोज कर लो 20 इयर्स के है फादर, मतलब यहाँ पे सन जो होगा 20 इयर्स का ही होगा, क्योंकि फादर ने क्या बोला है जब तुम्हारा जन्म हुआ था तब तुम अब जो तुम्हारा एज है प्रेजेंट एज है तब मैं उतने ही एज का था, मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए, ये दोनों सेम होना चाहिए, तो यहाँ पे फादर का एज कितना आएगा, बोलो कितना आएगा, 40 आएगा ना, 20 साल के बाद यहाँ पे जीरो का 20 हो रहा, तो यहाँ पे भी 20 ऐड कर देंगे तो यहाँ पे रेशो कितना बन रहा है, 1:2 बन रहा है, ठीक है, अभी सपोज करो यहाँ पे सन तो जीरो ही रहेगा जब बोर्न हुआ रहेगा, ठीक है, फादर का सपोज करो यहाँ पे 30 है, अगर फादर का यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे सन का कितना हो जाएगा, 30 होगा सेम, अगर यहाँ पे 30 है सन जीरो का 30 आ रहा है मतलब 30 साल आगे जा रहा, तो यहाँ पे फादर का एज कितना हो जाएगा, 60 होगा, यहाँ पे कितना रेशियो हो रहा है, 1:2 हो रहा है, अभी यहाँ पे सपोज कर लो जीरो है सन और फादर है 40, यहाँ पे फादर 40 है तो यहाँ पे भी 40 आएगा, यहाँ पे फादर का एज कितना आएगा प्रेजेंट एज 80 आएगा, 1:2 यहाँ पे भी आ रहा है, ठीक है, मतलब ऐसा सम जब होगा तब प्रेजेंट एज का रेशियो कितना होगा सन और फादर का, 1:2 होगा, क्या हमें फादर का एज पता है, सन और फादर 1:2 होगा, हमेशा 1:2 ही लेना, ये क्या हो जाएगा प्रेजेंट एज, हमेशा जब ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको 1:2 ही लेना है, ठीक है, यहाँ पे फादर का एज कितना दिया है 36, मतलब 2 का वैल्यू 36 के बराबर है तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा, 18 इंटू 2 होता है 36, यहाँ पे भी क्या करेंगे इंटू 18 करेंगे, 18 इंटू 1 कितना हो जाएगा 18, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है बोलो, 5 सन का एज बोला है, 5 साल पहले बोला है, तो अगर प्रेजेंट एज 18 है तो 5 इयर्स अगो कितना एज होगा सन का, -5 करेंगे 13 इयर्स हो जाएगा, समझा, ये हमारा आंसर होगा 13 इयर्स, हमेशा 1:2 लेना है, लेकिन उसमें से सन का 1 हो जाएगा फादर का 2 होगा और उसका जो 1:2 आएगा वो प्रेजेंट एज ही आएगा, किसी को डाउट है इसमें, हो गया लिख के, यावे तू असेल।
The ratio of current age of Sita and her son is 5:2. देखो 14 years later the ratio will be 2:1. So what was the age of Sita at the time of birth of her son? चलो बताओ. किसी का आंसर है? चलो बताओ बाकी के लोग. मैम 42. 42 आ रहे हैं? यस मैम. 42. वेरी गुड. सिंपल रेणु. और किसने बोला आंसर? आया बाकी सब? ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ है ऑलरेडी. सेम नहीं है. सेम नहीं होगा. तो बताओ. यहाँ से आया क्या आंसर? आप तो झूठ कभी बोलते ही नहीं. आया आंसर आपका?
आप दोनों का आया हुआ है ना ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन क्यों नहीं आ रहा है रेशियो सेम करेंगे पहले सीता एंड हर सन प्रेजेंट का रेशियो दिया है हमें प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है 5:2 ठीक है 5:2 आ गया 14 इयर्स लेटर मतलब यहाँ पे प्लस 14 आएगा 14 इयर्स लेटर कितना रेशियो दिया है 2:1 सबसे पहले क्या चेक करेंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस सेम है यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं है तो क्या करेंगे सबसे पहले डिफरेंस सेम करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस कितना आएगा 1 यहाँ पे कितना आएगा 3 5:1 कितना हो जाएगा 5 और 1:2 हो जाएगा 3:2 कितना होगा 6 3:1 हो जाएगा यहाँ पे डिफरेंस अभी सेम आ रहा है और 1 का डिफरेंस आ रहा है दोनों जगह पे तो 1 का वैल्यू किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे 14 इयर्स है तो यहाँ पे 1 का रेशियो 14 के बराबर होगा और ये कौन है सीता है और ये सन है तो प्रेजेंट एज सीता का कितना आएगा 14:5 आएगा कितना आएगा 14:5 70 आएगा 70 इयर्स सीता का एज आ गया अभी सन का एज क्या हो जाएगा 14:2 होगा 14:2 कितना होगा 28 इयर्स अभी क्या पूछा है सीता का मतलब माँ का एज पूछा एट द बर्थ ऑफ हर सन मतलब जब उसके बेटे का जन्म हुआ था तब सीता का एज पूछा तो दोनों क्या कर देंगे सीता का एज माइनस सन का एज कर देंगे मतलब सीता कितना है यहाँ पे 70 माइनस 20 हो जाएगा कितना आएगा 42 हो जाएगा आंसर हेलो मैम बोलो यहाँ से रिपीट करो ना 5:2 सीता सन यहाँ पे 5:2 बोल रहे हो हाँ 5:2 कैसे वो समझा यहाँ पे हाँ और 6:3 समझा ये नहीं समझा मैम ये नहीं समझा मतलब यहाँ पे समझा नहीं होगा आपको देखो 2-1 कितना होगा 1 होगा ठीक है 5-2 कितना होगा 3 होगा यहाँ पे माइनस क्यों किया क्योंकि दोनों सेम करना था यहाँ पे जो वैल्यू होता है यहाँ पे जो वैल्यू होता है वो सेम करना था ठीक है तो यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे जो डिफरेंस आया है 1 इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आया 5 आया 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आया यहाँ पे कितना है 3 है 3:2 करेंगे 6 आया यहाँ पे 3:1 करेंगे 3 आया यहाँ पे अभी देखो यहाँ पे क्या रेशियो यहाँ पे सेम आ रहा है डिफरेंस दोनों में 5 और 6 में 1 का डिफरेंस है 2 और 3 में 1 का डिफरेंस है तो 1 का जो डिफरेंस है वो 14 के बराबर होगा यहाँ पे क्योंकि देखो यहाँ पे 14 इयर्स के बाद बोला है तो 1 का डिफरेंस किसके बराबर होगा 14 के बराबर होगा तो ये सीता है और ये सन है और ये जो 5:2 है वो प्रेजेंट एज का रेशियो है तो अभी क्या करेंगे 1 का वैल्यू अगर 14 के बराबर है तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा 14 into 5 करेंगे कितना आएगा 70 तो ये सीता का एज आ गया 70 उसके बाद सन का देखो 14 अगर 1 का एज है 1 का डिफरेंस 1 मतलब 14 है तो यहाँ पे 2 मतलब क्या हो जाएगा 14:2 करेंगे कितना होगा 14:2 28 आया ये 28 क्या है सन का प्रेजेंट एज है ये 70 क्या है सीता मतलब मदर का प्रेजेंट एज है और क्वेश्चन में क्या पूछा जब उनके बेटे का जन्म हुआ था तब सीता का एज क्या था तो क्या करेंगे 70-28 करेंगे कितना आएगा 42 इयर्स था सीता का एज आंसर आएगा 42
आलो है हो गया बाकी है क्या किसी का बाकी है क्या टाइम कौन सा किसी को दे एजेस टाइम्स एंड एजेस हाँ ये बना टाइम एंड एजेस है जितने पांच वर्ष ने हाँ मोटा सेल था हाँ कका टॉपिक का भी था टाइम एंड वर्क भी था ना टाइम एंड वर्क स्टार्ट किया है इसका वेटेज कितना देखो 2 से 3 मार्क्स के लिए आ सकता है हर एक एग्जाम के लिए 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा प्री हो या मेंस हो ठीक है और बैंकिंग के लिए स्पेशली डीआई आ सकता है 5 मार्क्स का डीआई आ सकता है 5 मार्क्स का बाकी जो एग्जाम से एसएससी हो या बैंकिंग हो या रेलवे हो 2 से 3 मार्क्स के लिए आएगा टाइम एंड वर्क यहाँ पे सिर्फ एक ही फॉर्मूला होगा डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क ठीक है डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क यहाँ पे एफिशिएंसी का क्या मतलब होगा कैपेसिटी ठीक है डेज मतलब नॉर्मल डेज आपको दिया होगा कि एक पर्सन इतने दिन में एक काम करता है एफिशिएंसी का मतलब क्या होगा कि एक दिन में वो पर्सन की कैपेसिटी क्या है हर एक पर्सन की कैपेसिटी एफिशिएंसी अलग होगी सबके सेम नहीं होती है तो यहाँ पे कैपेसिटी होगी डेज इनटू कैपेसिटी इक्वल्स टू वर्क वर्क मतलब हमारा टोटल काम ठीक है यही फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है टाइम एंड वर्क के लिए हेलो मैम हाँ बोलो वर्क प्रॉब्लम में ये भी आ सकता है हाँ ये भी आ सकता है लिख लिया सबने हाँ मैम एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी होगी ठीक है A can do a piece of work in 16 days while B can do same work in 12 days and A, B, C can do same work in 4 days. Then find in how many days C can do the same work. सबको एलसीएम फाइंड आउट करना आता है ना लिस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम आता है ना सबको बेसिक लेक्चर देखा है ना सबने यहाँ पे हर एक क्वेश्चन में आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है इसके लिए बोल रही हूँ एलसीएम पता है ना नाइन एंड थ्री बाय फाइव एक सेकेंड राइट सही है वेरी गुड
9 3 by 5 okay very good क्या हुआ कुछ प्रॉब्लम है मुझे पूछो आपको फर्स्ट लेक्चर कौन सा हुआ था ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब क्या बोला है ए एक पर्सन है शांत हो जाओ ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क मतलब ए एक पर्सन है ठीक है एक पीस ऑफ वर्क कितने दिन में करता है 16 डेज में 16 डेज ठीक है व्हाइल बी मतलब एक दूसरा पर्सन है कैन डू सेम वर्क मतलब जो ए ने किया था वही सेम वर्क कितने दिन में करता है 12 डेज में करता है ठीक है उसके बाद क्या बोला है ए बी सी मतलब तीनों का तीनों साथ में मिलके सेम वर्क कितने दिन में करते हैं 4 डेज में ठीक है तो यहाँ पे लिख देंगे ए कितने दिन ए को कितना दिन लग रहा है 16 डेज तो यहाँ पे लिख दो 16 उसके बाद बी के बारे में कितना बी को कितना टाइम लग रहा है 12 डेज उसके बाद ए बी सी तीनों का तीनों साथ में कर रहा है काम एबीसी को कितना टाइम लग रहा है 4 डेज लग रहा है 4 डेज आएगा तीनों का एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 48 आएगा 16 के टेबल में 48 आता है 12 के टेबल में 48 आता है 4 के भी टेबल में 48 आता है तो जो तीनों का सबसे पहले आपको क्या करना है एलसीएम फाइंड आउट करना है यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा टोटल वर्क ठीक है यहाँ पे जो भी एलसीएम आएगा वो हमारा टोटल वर्क होगा यहाँ पे जो भी होगा वो हमेशा डेज होगा जो क्वेश्चन में आपको दिया जाएगा कि ए इतने दिन में काम करता है बी इतने दिन में काम करता है तो ये क्या है डेज है सब ये जो एलसीएम आएगा डेज से ही निकाला हमने एलसीएम 48 तो वो क्या हो जाएगा हमारा वर्क अभी डेज को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी वर्क आता है फॉर्मूला में बताओ क्या दिया है मल्टीप्लाई करने के बाद वर्क आता है तो 16 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा 3 से मैम 16 इंटू 3 होगा 48 ठीक है 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा 4 12 इंटू 4 होगा 48 4 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 48 आएगा 12 होगा 48 तो यहाँ पे जो भी वैल्यूज होगा 3 4 12 जो भी वैल्यूज होगा वो हमारा क्या हो जाएगा एफिशिएंसी ठीक है एफिशिएंसी मिल गया अभी क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है क्वेश्चन में क्या पूछा है सी के बारे में लेकिन सी के बारे में क्या पूछा है डेज पूछा है कि सी को ये वाला काम करने के लिए कितना डेज लग रहा है ठीक है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे सी लिख देंगे अभी 48 आया है टोटल वर्क उसमें से सी का डेज निकालना है तो उसके पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा सी का एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा सी का अगर एफिशिएंसी मिल गया तो डेज अपने आप मिल जाएगा अभी ये बताओ मुझे एबीसी में से एबीसी कितना है 12 है ए का एफिशिएंसी कितना है 3 है बी का एफिशिएंसी कितना है 4 है तो सी का एफिशिएंसी कितना आएगा 5 4 प्लस 3 कितना होगा 7 4 प्लस 3 7 होगा 12 में से 7 माइनस करेंगे कितना बचेगा 5 5 बचेगा इन तीनों का ए बी और सी तीनों का एडिशन करने के बाद 12 आना चाहिए 3 प्लस 4 प्लस 5 कितना होगा 3 प्लस 4 प्लस 5 12 और है तो हमें सी का एफिशिएंसी मिल गया 5 ठीक है तो अभी यहाँ पे कितना डेज आएगा
यहाँ पे कुछ तो डेज होगा उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 48 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देंगे, 48 डिवाइडेड बाय 5। 48 क्या है, वर्क है, वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी लिख देंगे। ये क्या है, वर्क है ऊपर वाला, नीचे क्या है एफिशिएंसी। वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी क्या आ जाएगा हमारा, डेज आएगा, डेज आएगा वर्क डिवाइडेड बाय एफिशिएंसी। क्या 5 के टेबल में 48 आता है, नहीं आता है। लेकिन हमें आंसर पॉइंट में नहीं निकालना है, हमें आंसर फ्रैक्शन में निकालना है। तो देखो 5 के टेबल में 48 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 45। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 45 आएगा, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 9। 5 इंटू 9 होगा 45, ठीक है लिख दिया यहाँ पे। अभी 45 है और यहाँ पे कितना है 48, दोनों में डिफरेंस कितना आ रहा है, 3 का आ रहा है। जो डिफरेंस होगा वो हमेशा ऊपर लिख देंगे, ये डिफरेंस है यहाँ पे ऊपर लिख दिया। अभी नीचे डिवीजन में 5 है ना, तो नीचे डिवीजन में 5 ही आएगा, 9 3/5 डेज हमारा आंसर हो जाएगा। जो भी डिवीजन में होगा यहाँ पे डिवीजन में सेम वैल्यू आएगा। किसी को डाउट है, नो किसी को डाउट है आप में से किसी को समझा क्या हुआ, 3/5 कैसे आया, देखो 5 को समझा ना, हाँ तो अभी क्या डाउट है समझा। हो गया लिख के मैम, एक मिनट, हाँ लिख लो। हो गया मैम, हो गया, आप सबका हो गया, लिखो जल्दी लिखो। मैम हाँ बोलो क्या हुआ मैम, डेज क्या, यस मैम हाँ बोलो क्या हुआ, डेज 9 है ना जो 9 डेज यहाँ पे बोल रहे हो, देखो 48 को 5 से डिवाइड किया, कैसे किया देखो, क्या 48 पूरा, शांत हो जाओ, 48 पूरा का पूरा यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्या वो देखो, नहीं मैम नहीं हो रहा है, ठीक है। अभी 48 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा 5 के टेबल में, 5 के टेबल में बताओ 45 से जस्ट पहले कौन सा नंबर आएगा, 45 आएगा। 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तभी 45 आएगा, 9 होता है 45, 5 इंटू 9 होता है ना 45, कितना बचा, 3 बचा, 3 मैम 3 बचा, तो 3 क्या कर देंगे ऊपर लिख देंगे एज इट इज 5। अगर यहाँ पे नीचे है तो यहाँ पे नीचे 5 ही आएगा, जो बचा हुआ है वो ऊपर आएगा, और 5 इंटू 9 45 होता है, इसके लिए 9 आया, समझा कैसे आया, यस मैम A and B can do a certain work in 12 days, B and C
in 15 days and A and C in 20 days, then find in how many days A, B, C can do same work. चलो करो. एबीसी के बारे में पूछा है कि एबीसी तीनों को साथ में कितना टाइम लगेगा, कितना डेज लगेगा. टेन डेज मैम. टेन डेज. यस राइट. वेरी गुड. चलो आप लोग बताओ. पहले एलसीएम निकालो कितना आएगा. सबसे पहले एलसीएम आएगा तीनों का. 10 डेज. 10 डेज राइट. वेरी गुड. एलसीएम कितना आ रहा है. 60. ओके. ए एंड बी कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज. ठीक है, लिख दो यहाँ पे 12. उसके बाद क्या दिया है, बी और सी के बारे में दिया है. बी सी कैन डू 15 डेज. ठीक है, उसके बाद ए एंड सी के बारे में दिया है. ए एंड सी कितना दिन लगता है, 20 डेज लगता है. तीनों का एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, कितना आएगा. 60 आएगा यहाँ पे. 60. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा टोटल वर्क हो जाएगा 60. 12 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 60 आएगा, बोलो. 5. 12 into 5, 15 into 5. 15 into 4, 20 into 3, 5, 4, 3 आएगा. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एफिशिएंसी हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पे हमें क्वेश्चन में किसके बारे में पूछा है, ए बी सी के बारे में पूछा है कि ए बी सी को कितना टाइम लगता है, कितना डेज लगता है ए बी सी को. ठीक है, अभी यहाँ पे मुझे बताओ, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे बी सी है और यहाँ पे ए सी है. यहाँ पे तीनों में ए कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट हो रहा है. बी कितनी बार हो रहा है रिपीट, दो बार रिपीट हो रहा है. सी कितनी बार रिपीट हो रहा है, दो ही बार हो रहा है. और हमें कितने टाइम चाहिए, हमें कितने टाइम चाहिए आंसर में, एक बार ही चाहिए. एबीसी यहाँ पे ए दो बार रिपीट हो रहा है, बी दो बार रिपीट हो रहा है, सी दो बार रिपीट हो रहा है. हमें एक ही टाइम पे चाहिए,
अभी तीनों का यहाँ पे एफिशिएंसी का एडिशन कितना होगा, 5 + 4 + 3 कितना आएगा, कितना आएगा 5 + 4 + 3 बोलो 12 आएगा, ठीक है, तीनों का टोटल 12 आया। अभी यहाँ पे दो बार रिपीट हो रहा है, इसके लिए क्या हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। हमें एक टाइम चाहिए, लेकिन कितना बार है, दो टाइम है, ए दो बार है, बी दो बार है, सी दो बार है, लेकिन हमें एक टाइम चाहिए, कि इसके लिए क्या किया, डिवाइडेड बाय 2 किया। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आया एबीसी का, 6 आया। अभी ये एफिशिएंसी है ना 6, और हमें डेज पूछा है कि कितना डेज लगता है, तो यहाँ पे डेज में कितना आएगा, यहाँ पे कितना डेज आएगा, टेन इंटू सिक्स करेंगे तभी 60 आएगा, तो यहाँ पे कितना आना चाहिए, 10 days। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 10 days, समझा, 10 × 6 करेंगे तब भी 60 आएगा, तो 60 / 6 कितना होगा, 10 होगा। किसी को डाउट है इसमें, सबको समझा 10 days कैसे आया, किसी को डाउट है, हुआ लिख के, सबका हो गया लिख के, यस मैम, यस मैम, हुआ ना, ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days, बी कैन डू the same work in 12 days. They started work together, but after 5 days A left and B finished remaining work. In how many days? In how many days? One man. Yes, ma'am. Very good. सिर्फ डिंपल और रेनूस आंसर कर रहे, बाकी सब लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे? मैम अभी मैंने किया। अच्छा आपका नाम? स्नेहल। अच्छा स्नेहल, वेरी गुड स्नेहल।
सेवन आएगा आंसर. सेवन नहीं, सेवन नहीं आ रहा. ए कैन डू अ सर्टेन वर्क इन 10 days, तो यहाँ पे लिख देंगे ए 10 days. उसके बाद क्या बोला है, बी को कितना टाइम लगता है, 12 days. ठीक है, दोनों का एलसीएम कितना होगा यहाँ पे, 60 हो जाएगा. मतलब 60 हमारा वर्क है, दोनों का एलसीएम 60 आएगा. 10 इंटू कितना होगा 60, बोलो. 12 इंटू 5. ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, दे स्टार्टेड, तो दे में कौन आएगा, दे मतलब कौन, ए एंड बी, ए और बी साथ में होगा. ठीक है, डेज इनटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क. ए और बी ने स्टार्ट किया काम, ए और बी ने साथ में काम चालू किया, क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, दे स्टार्टेड वर्क टुगेदर. ए और बी ने साथ में स्टार्ट किया काम करना, बट After 5 days A left, मतलब 5 दिन के बाद A ने छोड़ दिया काम, तो A और B ने कितने दिन के लिए काम किया होगा, 5 दिन के लिए काम किया होगा, क्योंकि 5 दिन के बाद A ने छोड़ा है, तो A और B ने कितने का दिन के लिए काम किया, 5 days के लिए, इनटू दोनों का एफिशिएंसी कितना आएगा यहाँ पे, 11. 6 + 5 हो जाएगा, दोनों का एडिशन 11 हो जाएगा. 11 इंटू 5 कितना होता है, 55 होता है. ठीक है, 55 हो गया काम, 55 काम कंप्लीट हो गया. हमें कितना काम करना है, 60 काम करना है, उसी में से 55 काम कंप्लीट हो गया. अभी कितना काम करना बचा है, 5 बचा है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5, क्योंकि दोनों का एडिशन 60 होना चाहिए, क्योंकि हमारा काम कितना है, 60 है. 55 काम हो गया, 5 करना बाकी है, तो जो बच्चा है वो कौन करेगा, बी करेगा, क्योंकि ए ने तो काम छोड़ दिया, तो यहाँ पे कौन आएगा, बी आएगा. बी का एफिशिएंसी कितना है, 5 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनटू 5, और यहाँ पे क्या होगा, डेज. ठीक है, डेज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 5 / 5 इक्वल्स टू 1 day हो जाएगा. मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि बी फिनिश्ड रिमेनिंग वर्क, मतलब जो बचा था वर्क, बचा था मतलब 5 बचा था ये, तो जो बचा हुआ वर्क बी ने कितने दिन में कंप्लीट किया, कितने दिन में किया, 1 day में किया, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 day. अगर वो पूछते कि पूरा का पूरा काम होने में कितना दिन लगा, तो हमारा आंसर क्या होता है यहाँ पे, 6 day. 6 day हो जाता, 5 + 1 day, 6 हो जाता. अगर वो पूछते कि पूरा का पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ, तो 6 दिन में, लेकिन उन्होंने क्या पूछा, रिमेनिंग वर्क, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 day. किसी को डाउट है इसमें, नो. ओके, हो गया लिख के. Thank you.
ए बी एंड सी कैन डू, अभी यहाँ पे अलग अलग दिया है ना तो अलग अलग काम होगा, ठीक है, तीनों का तीनों साथ में नहीं करेंगे. डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15, 10, 12 डेज. दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टुगेदर बट आफ्टर 2 डेज सी हैड टू लीव अ जॉब. ए एंड बी वर्क फॉर 2 more days before A left a job. Then in how many days total work get completed. आया किसी का आंसर? फाइव बाय थ्री नहीं, वन टू बाय थ्री. टोटल वर्क बताओ, टोटल वर्क करने के लिए कितना टाइम लगा वो बताओ. फाइव टू बाई थ्री राइट सही है. और किसी का आंसर आया? टोटल वर्क कंप्लीट करने के लिए कितना? फोर बाय सिक्स और डिवाइड हो सकता है ना, इससे डिवाइड होगा. एबीसी का तीनों का अलग अलग डेज लिखा है, ठीक है. ए कितना डेज के लिए है? 15. बी कितना है?
10 और C कितना है 12, तीनों को एलसीएम कितना होगा यहाँ पे 60 हो जाएगा, 15 इंटू कितना होगा 60, 4, 10 इंटू 6 और 12 इंटू 5 ये आ गया. दे स्टार्टेड तो यहाँ पे क्या आएगा, पहले डेज इंटू एफिशियंसी इक्वल्स टू वर्क. दे स्टार्टेड तो यहाँ पे क्या आएगा, दे का मतलब यहाँ पे क्या आएगा, एबीसी साथ में आएगा. अभी दे का मतलब क्या होगा कि ये तीनों ही होगा ना, दे मतलब एबीसी ने साथ में काम करना चालू कर दिया, ठीक है. दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टूगेदर बट आफ्टर टू डेज सी हैड टू लीव अ जॉब. मतलब यहाँ पे डेज कितना आएगा, एबीसी ने कितने दिन साथ में काम किया होगा, टू डेज. एबीसी यहाँ पे देखो, दे स्टार्टेड डूइंग अ वर्क टूगेदर बट दो दिन के बाद सी ने काम छोड़ा है, सी ने लेफ्ट किया है, तो यहाँ पे एबीसी के लिए कितना डेज आएगा, टू डेज. टू डेज ही आएगा ना, दो दिन के बाद सी छोड़ रहा है, तो यहाँ पे डेज कितना आएगा, टू डेज आएगा. इनटू एफिशिएंसी कितना होगा, 15, 6 प्लस 4 10 प्लस 5 15, 15 इंटू 2 कितना हो जाएगा 30, ठीक है. ये हो गया एबीसी के बारे में. उसके बाद सी ने जॉब छोड़ा, अभी कौन बचेगा, ए एंड बी, ए और बी बचेगा, ठीक है. यहाँ पे क्या बोला, ए एंड बी वर्क फॉर टू मोर डेज, तो यहाँ पे कितना दिन आएगा, 4. यहाँ पे ऑलरेडी ए और बी ने दो दिन काम किया है ना, और उसके बाद बोला है टू मोर डेज, तो यहाँ पे दो दिन ही आएगा, 4 नहीं आएगा, क्योंकि ऑलरेडी दो दिन काम किया है ए बी ने यहाँ पे, और ए बी और दो दिन काम कर रहा है, तो यहाँ पे दो दिन हो गया, यहाँ पे दो दिन हो गया, तो यहाँ पे 4 नहीं आएगा, ठीक है. इंटू ए और बी का एफिशिएंसी कितना होगा, बोलो, 10. 4 प्लस 6 10 हो जाएगा, 10 इंटू 2 कितना होगा, 20. कितना काम हो गया टोटल, बोलो सब लोग, बोलो कितना काम हो गया, 50 हो गया. 60 काम करना है ना हमें 50. हमें तो 60 काम करना है, 50 काम हो गया, कितना काम बचा है, 10 काम बचा है, वो कौन करेगा, बी. कौन, बी करेगा, क्योंकि कौन छोड़ रहा है, ए छोड़ के जा रहा है, तो कौन बचा, ए बी. सी छोड़ के गया, ए बी बचा, अभी ए छोड़ के गया, कौन बचा, बी बचा. बी का एफिशिएंसी कितना है, 6 है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 6 इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेज, बी डेज इंटू 6, तो डेज कितना आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 6 आएगा, इसको डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड होगा, 2 इंटू 3 और 2 इंटू 5, ठीक है. तो 5 बाय 3 आएगा डेज, डेज कितना आएगा, 5 बाय 3. 5 बाय 3 को फ्रैक्शन में कैसे करेंगे, 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो देखो 5 से पहले जस्ट 3 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा, 5 के पहले 3 के टेबल में कौन सा नंबर आएगा, 3 आएगा. तो 3 के टेबल में 3 कब आएगा, इंटू 1 करेंगे तभी आएगा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3 इंटू 1 ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे, ठीक है. 3 इंटू 1 3 होता है, यहाँ पे 5 चाहिए, तो कितना बचा, 2 बचा ना, 2 बचा, 5 माइनस 3 होगा, 2 बचेगा, 2 ऊपर लिख देंगे. अभी 3 डिवीजन में है, तो एज इट इज 3 लिख देंगे, तो 1 2/3 डेज हो जाएगा. लेकिन ये जो 1 2/3 डेज है, वो 10 जो काम था उसके लिए था ना, डी का वैल्यू आया है हमारा 1 2/3, ठीक है. तो 10 मतलब जो रिमेनिंग काम बचा था, अगर क्वेश्चन में पूछते रिमेनिंग वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ, तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 2/3 होगा. लेकिन उन्होंने क्या बोला है, टोटल वर्क बोला है ना, तो टोटल वर्क कंप्लीट होने में कितना डेज लगा, कितना डेज लगा बताओ, 2/3, 2 प्लस 2 प्लस 1 2/3,
2 + 2 + 1 कितना होगा 5, 2/3 डेज. क्लियर? क्योंकि ये डेज है ना, डेज के नीचे ही 2 है इसके लिए. किसी को डाउट है? नो. नो. सबका हुआ लिख के? यस मैम. A and B each work, each can work in 15 and 18 days. They started work together but A left and B finished remaining work in 7 days. After how many days from beginning A leave कितने दिन के बाद ए ने काम छोड़ा वो पूछा है, क्योंकि बी ने जो बचा हुआ काम है वो फिनिश किया कितने दिन में? 7 दिन में. थर्ड क्वेश्चन कैसा किया था? सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन, वैसे ही करो, बस यहाँ पे थोड़ा उल्टा दिया है उन्होंने और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में. फाइव एक सेकंड. राइट है, फाइव राइट है. वेरी गुड. Bye, ma'am. Okay. Thank you.
बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। चलो बताओ कितना आंसर आ रहा है। बाकी सब लोग बताओ कितना आ रहा है। थर्ड क्वेश्चन की जैसा ही करना है, कुछ अलग नहीं, थोड़ा सा बस घुमाया है क्वेश्चन में। ट्राई करो सब लोग। फाइव डेज आया। ओके वेरी गुड। हेलो। हाँ बोलो। हेलो बोलो। मैम इसमें ए कितने दिन बाद लेफ्ट हुआ है वो नहीं दिया क्वेश्चन में। वो भी पूछा है ना क्वेश्चन में, अगर वो देंगे तो बचेगा। अच्छा क्वेश्चन वही सर्च करना। हाँ वही निकालना कि कितने दिन के बाद ए ने छोड़ा, क्योंकि बी के बारे में तो बोला है। बी ने रिमेनिंग बार कितने दिन में किया, 7 डेज में किया है। तो बस आपको उल्टा क्वेश्चन किया है उन्होंने। हाँ हाँ पल्लवी कभी आया? कर रहे हो क्या आप या मैं बताऊं? बोलो मैम। वन आ सकता है क्या? वन नहीं आ रहे। जैसे थर्ड क्वेश्चन किया ना वैसा ये बस उल्टा करना है। देखो कैसे, ए का 15 डेज दिया है और बी का 18 डेज दिया है, दोनों का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? 90 आएगा। 15 इंटू कितना होगा? 15 इंटू 6 और 18 इंटू कितना आएगा? 5। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेज इंटू एफिशिएंसी इक्वल्स टू वर्क होगा। ठीक है, डे स्टार्टेड फिर से बोला है, डे स्टार्टेड तो यहाँ पे क्या आएगा? ए बी। बोलो यहाँ पे ए और बी आएगा साथ में। ए और बी ने काम करना स्टार्ट किया बट कितने दिन के बाद, कितने दिन के बाद छोड़ा है ए ने, ये नहीं दिया हमें। सिर्फ इतना बोला है कि ए ने लेफ्ट किया है। तो अगर यहाँ पे ए और बी काम कर रहा है और ए ने लेफ्ट किया तो कौन बचेगा यहाँ पे? बी। बी बचेगा। और क्वेश्चन में बी का इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दिया है कि बी फिनिश रिमेनिंग वर्क, मतलब ए और बी ने कुछ तो कुछ ना कुछ काम किया होगा यहाँ पे वर्क में। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना आएगा ए और बी का? 11 आएगा। यहाँ पे क्या मान लेंगे? x मान लेंगे। 11 इंटू एक्स, 11x हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 11x वर्क कंप्लीट हो गया है। हमारा टोटल वर्क कितना करना है? 90 करना है। ठीक है, अभी b के बारे में क्या बोला है कि b ने जो बचा हुआ काम है वो कितने दिन में किया? 7 दिन में किया। तो यहाँ पे कितना डेज आएगा? 7। 7 डेज आएगा। 7 इंटू बी का एफिशिएंसी कितना होगा? 5। यहाँ पे एफिशिएंसी कितना है? 5 है। 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा। अभी दोनों का यहाँ पे एडिशन कितना होना चाहिए? 90।
90 होना चाहिए क्योंकि टोटल वर्क हमें 90 करना है, उसमें से 35 काम हो गया है ना, ये तो हमें इसका वैल्यू पता है कि 35 काम हो गया है, हमें टोटल 90 करना है, कितना काम बचा है? 55 काम करना बचा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कितना काम आ रहा है? 11x आ रहा है, तो 11x का मतलब है 55 है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा? 55 डिवाइडेड बाय 11 आएगा, मतलब x मतलब कितना आएगा यहाँ पे? 5 आएगा, तो ये x किसको अज्यूम किया था? डेज को अज्यूम किया था, तो यहाँ पे कितने दिन के बाद ए छोड़ रहा है? 5 दिन के बाद ए छोड़ रहा है, क्योंकि 5 दिन के लिए ए और बी ने दोनों ने साथ में काम किया 5 दिन, तो उसी के बाद ए ने छोड़ा, तो ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा? 5 दिन के बाद छोड़ा। किसी को डाउट है इसमें? मैम 11x से समझाइए। देखो x अज्यूम किया है यहाँ पे, ए और बी का एफिशिएंसी कितना है? 6+5 11 है, 11 इंटू एक्स कितना होगा? 11x होगा, ठीक है, टोटल काम कितना करना है? 90 करना है, यहाँ पे लिख दिया 90 काम करना है, ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन में क्या दिया है कि 7 दिन में जो बचा हुआ काम है वो बी अकेला करता है, तो डेज के जगह पे यहाँ पे क्या आएगा? 7 आएगा, बी का एफिशिएंसी कितना है? 5 है ना, तो यहाँ पे 5 लिख दिया, 7 × 5 कितना होगा? 35 होगा, हमें टोटल 90 करना है, उसमें से 35 ऑलरेडी अकेले बी ने कर लिया है, तो 90 − 35 कितना होगा? 55 होगा, तो 55 किसने किया होगा? ये ही वैल्यू होगा ना, ए और बी ने किया होगा 55 काम, उसके बाद जो बचा है वो 35 किसने किया? बी ने किया, तो जो 55 किया है वो ए और बी ने किया होगा, मतलब यहाँ पे 11x वर्क ही है ना, और ये भी वर्क है, मतलब दोनों का वैल्यू बराबर है, तो 11x equals to 55 हो जाएगा, तो x equals to क्या होगा? 55 divided by 11, x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5, डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ए और बी ने 5 दिन के लिए काम किया, और ए ने कितने दिन के बाद छोड़ा? 5 दिन के बाद छोड़ा, समझा? Yes, ma'am. Okay. सबका लिख के हो गया क्या? Yes, ma'am. किसी को डाउट है इसमें? No. Okay. अभी तो कहाँ हुआ है टाइम? नहीं हुआ, 5 मिनट है और। होमवर्क के लिए ले लो क्वेश्चन। 3 मेन ए बी सी कंप्लीट्स द वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, उसमें सब क्वेश्चन लिख लो। ए इफ ए बी सी स्टार्ट्स वर्क टुगेदर आफ्टर 2 डेज, ए लेफ्ट दी वर्क and next after 2 days C also left, then find in how many days the whole work will get
कंप्लीट नेक्स्ट लेक्चर ही बताएंगे कैरी फॉरवर्ड होगा 6 2 by 5 देखते हैं एक सेकंड राइट राइट चलो ये होमवर्क कर लो ठीक है ये होमवर्क है कर लो ठीक है चलो बाय 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 आपको